बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक अपना इंतहाई अहम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और उस कोर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना लाजमी है कि आपको पता ही होगा कि हमने सीनियर ऑडिटर की 2019 में भरपूर तरीके से तैयारी करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पासिंग रेशो भी 80% जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे। जो हमारे YouTube पे चैनल पे स्टूडेंट्स थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनके परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही, बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हुए, लेकिन चूंकि वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थे, डाटा नहीं था, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया। तो अब उसके लिए इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब चूँकि सीनियर ऑडिटर की कुछ सीटें आई हैं 125 के करीब और लास्ट ईयर 2019 की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा पोस्ट थी और निस्बतन आसान था एस्पिरेंट के लिए तैयारी करना। अब चूँकि वही लोग जिन्होंने अप्लाई किया था 2019 में अब तक उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मुमकिन है वो 2020 के जो अभी पोस्ट आई हैं उस पर भी अप्लाई करें। इट्स मीन कि कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे लोगों ने भरपूर तैयारी की थी। तो अब हमने हार्वर्ड एकेडमी ने एक स्टेप फॉरवर्ड हुई है, क्योंकि लेक्चर तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन भी कर चुके हैं हमारी क्लासेस को। अब हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल विदाउट चार्जिंग एडिशनल फीस जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, हम जो मार्केट्स में अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं हम उनके MCQs को भी सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट, उनको समझाएंगे, हर बात पे कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि एक तो उनकी रिवीजन भी हो, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट भी सेटिस्फाई होता है जब वो MCQ टाइप की बुक के क्वेश्चन को याद कर लेता है, समझ लेता है, तो वो ये समझता है कि मेरी काफ़ी हद तक तैयारी होगी। यानी कि लेक्चर्स के बाद अब जब आप MCQs के पैटर्न को भी फॉलो कर लेंगे उस पर भी आपकी ग्रिप हो जाएगी, तो आपकी सक्सेस के चांसेस माशाल्लाह से और भी बढ़ जाएंगे। तो ये है हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन और ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर ऑडिटर के लिए नहीं, जूनियर ऑडिटर का आता है, लेक्चर कॉमर्स का आता है, तो किसी भी सिलेबस में जब कॉमर्स के रेलिवेंट सब्जेक्ट की बात होती है तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, भले कोई रेगुलर डिग्री कर रहा है, यानी कि MBA कर रहा है, फलां कर रहा है, व्हाट्सएवर, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर ऑडिटर के साथ आप मैच नहीं करेंगे, अकाउंटेंट के साथ या जितनी भी इसके सिलेबस सेम होगा उसके लिए इक्वली अप्लाई होगा। तो हमारा फोरम हार्वर्ड एकेडमी, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333570626। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और भी बात बताता चलूँ, क्योंकि हमने 2019 में एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया था, हमने सारे के सारे YouTube पे लेक्चर्स अवेलेबल किए थे, तो कुछ अकेडमीज़ वाले उनको डाउनलोड करके सेल कर रहे थे, कोर्सेज़ करवा रहे थे और अब भी ऐसे ही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फीसेज चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आना, आप जेन्युइन तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करें। और ये भी लेक्चर्स जितने होंगे हम इनके डेमो लेक्चर्स तो आपको YouTube पे अवेलेबल करेंगे, लेकिन पब्लिकली सारे लेक्चर्स अवेलेबल इसलिए नहीं होंगे कि मेहनत हम करें, कॉपीराइट्स हमारे हों और फ़ायदा दूसरे उठाएं। हमने इसलिए बहुत कम फीसेज रखी होती हैं अपने कोर्सेज की ताकि कोई भी ज्वाइन कर सके, और ये कंटेंट्स हमारे वेबसाइट पे ही अवेलेबल होंगे, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आज अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वेजेस आर पेड, कि जो मजदूर होते हैं फैक्ट्री की बात की जाए तो उनको वेजेस जो पे की जाती हैं वो किस बेस पे होती हैं। लॉन्ग टर्म पे आपको पता होना चाहिए सैलरी पे की जाती है, यानी कि मंथ या एनुअल बेसिस पे उनको सैलरी पे की जाती है। और शॉर्ट पीरियड जो होता है, यानी कि 2 घंटे के लिए किसी की सर्विस लेते हैं, 1 दिन के लिए लेते हैं, 2 दिन के लिए लेते हैं, तो वो जो हम पे करते हैं वो होती हैं वेजेस। तो इसमें आंसर जो हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको बता दिया कि सैलरी होती है। ऑल ऑफ द गिवन अबव में दोनों नहीं आ सकते, नन ऑफ द गिवन अब ऑप्शन बी नहीं आ सकता, यानी कि ना ऑप्शन बी है, ना सी है, ना डी है, ऑप्शन ए हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कि जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सारी ठीक हैं, एक उनमें गलत है। वन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ स्मॉल बिजनेस इज लैक ऑफ मैनेजेरियल स्किल्स, कि छोटी बिजनेस जो होती हैं उनको नुकसान होता है या फेल हो जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उनके पास मैनेजमेंट का स्किल कम होता है या एक्सपीरियंस कम होता है। जेन्युइन वजह है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ये गलत नहीं है। वन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ स्मॉल बिजनेस इज दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर यंग दैन 25 ईयर्स ओल्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ये कोई वजह नहीं है कि 25 ईयर से उनकी एक्सपीरियंस कम है या
उनकी जो पीरियड है उनका बिजनेस का वो 25 ईयर से कम है तो वो फेल होती हैं, ये वजह नहीं है। पीरियड पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा होता सक्सेस के लिहाज से। सी ऑप्शन, वन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ स्मॉल बिजनेस इज नेगलेक्ट, तो नेगलिजेंस भी होती है। डी ऑप्शन है, वन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ स्मॉल बिजनेस इज वीक कंट्रोल सिस्टम, तो वाकई जो वीक कंट्रोल सिस्टम होता है वो फेल होती है। तो ऑप्शन बी हमारा है वो है फॉल्स, तो ये आंसर हुआ हमारा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी नहीं है, यानी कि वो प्राइमरी है। कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है, मशीनरी हो, ईंटें हो, सीमेंट हो, वो प्रोसेस से गुजरने के बाद आता है, तो ये हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इज सेकेंडरी जो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। जेनेटिक, जो पैदावार होती है, तो पैदावार फर्स्ट हैंड होती है, ये किसी प्रोसेस के बाद नहीं होती, नेचुरल प्रोसेस के बाद होती है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हमारा गलबन लगता है। और उसके बाद डी ऑप्शन है सर्विसेज, तो सर्विस इंडस्ट्री भी सेकेंडरी है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 4, इंडस्ट्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू काइंड्स, कि इंडस्ट्री की फर्दर आगे कैटेगराइज हैं 2, 3, 4, 5, तो इंडस्ट्री को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक कॉमर्स एक ट्रेड, तो दो इसके हिस्से होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है हमारा 5, प्राइमरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड फर्दर इंटू एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको दो हिस्सों में, यानी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारे पास गैस हो नेचुरल, या पैदावार पौधों की हो, कपास की हो, गंदम की हो, चावल की हो, या फिर हम कोई धात निकालते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो हम उसको काटते हैं निकालते हैं, या फिर जेनेटिकली पैदा करते हैं, दो इसके जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं हिस्सों में, तो बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है, नन ऑफ दीज जो है ये गलत है। एक्सट्रैक्टिव भी इसमें शामिल है, जेनेटिक भी है, तो दोनों बोथ ए एंड बी दोनों जो उसमें है वो आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड फर्दर इनटू, कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम फर्दर किस किस कैटेगरी में तकसीम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, तो तीनों जो हैं ये हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप पढ़ें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्सेप्ट, कि पार्टनरशिप को अगर हम कंसीडर करें, पार्टनरशिप जो एक्ट है या पार्टनरशिप टर्म फॉर्म जो बनती है जिसके मेंबर्स की तादाद कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होती है, तो उसके हिसाब से ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन एक गलत है, तो वो जो गलत है उसको हमने डिटेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कि ठीक है ये गलत है, देर इज़ नो पार्टनरशिप इनकम टैक्स, द इंडिविजुअल पार्टनर पे पर्सनल इनकम टैक्स ऑन देयर पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट्स, कि जो पार्टनरशिप प्रॉफिट्स होता है वो जो जो पार्टनर होता है उसको मिल जाता है और उसकी पर्सनल इनकम में शामिल हो जाता है, और उसकी जितनी इनकम बने उस पे जो टैक्स के रूल्स लागू होते हैं वही पे होगा। एग्जैक्टली ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। बी, इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई अदरवाइज प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, तो ये वाकई बात ठीक है कि जब आपका पार्टनरशिप एक्ट जो होता है या जो एग्रीमेंट होता है उसमें अगर आपने पार्टनर्स की प्रॉफिट को तकसीम नहीं किया, रेशो क्लियर नहीं की कि इसकी रेशो इतनी होगी इसकी इतनी होगी, तो आपके ये अगर आपकी शेक नहीं इसमें शामिल तो जो प्रॉफिट होगा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जैक्टली ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, पार्टनरशिप बैलेंस शीट इज मच लाइक दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, के पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती है वो प्रोप्राइटरशिप जैसी ही होती है, तो एग्जैक्टली ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, द डेथ ऑफ ए पार्टनर डिजॉल्व द पार्टनरशिप एंड ऑल एसेट्स मस्ट बी लिक्विडेटेड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पार्टनरशिप की एक किसी पार्टनर की डेथ होती है तो लाजमी नहीं है कि उसको आप हर सूरत में डिजॉल्व करें, अगर उसकी टर्म एंड कंडीशन उसके जो लीगल हायर्स हैं वो एग्री होते हैं तो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो रिवाइव हो सकता है दोबारा, लेके आप पार्टनरशिप के एसेट्स को डिवॉल्व या लिक्विडेट करना लाजमी नहीं कि आप उनको बेच दें और नई फॉर्म बनाए, ये लाजमी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मार्केटिंग शुड बिगिन विद,
कि मार्केटिंग जो है वो शुरू होनी चाहिए, इसके ऑप्शन है हमारे पास, पोटेंशियल कस्टमर, द प्रोडक्शन प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। तो जब मार्केटिंग की जो एक इनिशिएट होता है स्टेप, आप इनिशिएट करते हैं मार्केटिंग के प्रोसेस को, तो ये वाकई जो तीनों प्रोसेस हैं आपके, यानी कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन से हैं इनको आइडेंटिफाई करना होता है, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है कितने सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है, कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, ये भी एनालिसिस आपको करना होता है, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, जो आपके यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी ज़रूरत को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ दीज गिवन अबव ऑप्शंस आर ट्रू। इसके बाद ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मोर कलेक्टिव कल्चर, किसी एक कंट्री का जो कलेक्टिव कल्चर है, यानी कि सबका एक ही जैसी जो रूटीन होती है लाइफ में या तरीकाकार किसी काम करने का, वो किस मुल्क का है? यूएसए में बहुत सारे लोग हैं, जापान कलेक्टिव है, यानी कि उनके लोगों की एक्टिविटीज एक जैसी, पाकिस्तान भी डाइवर्स है, आगे सुबह में देखें और कई सारे अगर रवाज रस्म रवाज हैं, यूके में भी देखें तो डाइवर्स पीपल हैं, तो उनका भी कलेक्टिव कल्चर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है, न्यू एंड रिवाइज प्रोडक्ट्स मे बी टेस्टेड थ्रू, कि जो नई आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, या आपकी फर्म बनाती है, कंपनी आपकी बनाती है, या फिर पहले से मौजूदा आपकी प्रोडक्ट है उसको आप रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसमें कुछ और आप उसके फीचर्स में एडिशन करते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसके टेस्ट करने का कौन सा तरीका है, यानी कि प्रोडक्ट किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, एक कमर्शलाइज करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आप कह सकते हैं, फैमिली ब्रांड के हिसाब से, नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को जो रिव्यूइंग के बाद या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ दी मोस्ट सूटेबल आंसर इज़ डी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक लेसन, जिस तरीके से हम पूरी बुक को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, और मुझे यकीन है कि आप और मैं इस तरीके से बुक को लेके चलेंगे, कवर करेंगे, तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। और आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे जो है इससे फ़ायदा उठाएं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आप अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, और मुख्तलिफ सेगमेंट में उसको डिवाइड किया गया है, जो भी जॉब की नेचर है तो उस हिसाब से हमने कोर्सेज अवेलेबल किए हुए हैं, और इंशाल्लाह आपकी लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के लेसन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।